सुस्वागतम छात्राः। अद्य वयं संस्कृत साहित्यस्य व्याकरण विषये पठिष्यामः। विश्व की सब समस्त भाषाओं और साहित्य का व्याकरण होता है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, रशियन आदि साहित्य की अपनी अपनी भाषाओं का एक व्याकरण है। वैसे ही संस्कृत भाषा और साहित्य का भी एक निश्चित व्याकरण है। कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे तदपि पठपुत्र व्याकरणम्, यद्यपि बहुत नहीं अध्ययन किया है, बहुत नहीं पढ़ा है, तदपि फिर भी पुत्र व्याकरणम् पठ, पुत्र व्याकरण पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उससे स्वजनः स्वजनः मा भूत और सकलः सकलः सकृत सकृत। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। सा दंतेसा है तो स्वजनः माने होता है अपने लोग, और ये सा जो है ये तालव्य सा है तो स्वजनः माने होता है कुत्ता, तो स्वजन कुत्ते हो गए एक शब्द के बदलने से। सकलः माने संपूर्ण और सकलः माने टुकड़े। सकृत माने सौ बार और सकृत माने एक बार। तब केवल दंत सा तालव्य सा के उच्चारण से अर्थ बदल गया। आपने देखा कि मात्र सा के अशुद्ध उच्चारण से सा के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए अक्षरों के उच्चारण स्थान से ही उनका उच्चारण सही अर्थ देता है। इनके उच्चारण स्थान हम आगे बताएंगे, शब्दों के उच्चारण स्थान के संबंध में आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे। अब देखिए संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति महर्षि पाणिनि के द्वारा हुई है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण समझने जानने के लिए भगवान शिव की कठोर उपासना की। भगवान शिव महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण सिखाने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव कुछ बोले तो है नहीं, भगवान शिव ने केवल अपना डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से उन्होंने यानी पाणिनि ने जो सीखा उनको 14 माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जो निम्न हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्र पर संपूर्ण व्याकरण आधारित है। अब देखिए एक एक सूत्र। पहला ऐ ऊण ऋल ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम जभई घट धस जब गड दस खफ छठथ चटतव कपय सकसर हल कपय सकसर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा व्याकरण इन्हीं पर आधारित है। अब आप इनको आगे देखेंगे। शब्द बने किससे बने हैं? स्वर और व्यंजन से। स्वर हैं दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, और व्यंजन है का से ज्ञातक। अब चाहे 14 माहेश्वर सूत्र में इन्हीं को देख लीजिए, स्वरों को। आ ई ऊ आ ई ऊ स्वर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये हो गए स्वर। लृक रि लृ स्वर। ए ओं स्वर। आई औ स्वर। ये तो स्वर हो गए। अब हम व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन में कुछ निशान लगे हों, निशानों को देख कर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ग्रीन का निशान है तो ग्रीन को देखिए आप। कप ये का ख ग घ
यंगा है, ग्रीन वाला निशान काका का घांगा, फिर है चा छा जा छा, यहाँ रेड से देखिए च छ ज झ यहाँ टाठा डाढ़ाना को देखिए, इसके साथ बगल में ब्लू की लाइन खींची गई है, आप देखिए ट ट ठ ड ढ ण। फिर हम आते हैं ता था दा था ना, अब देखिए चटकों में ता थ द द ध न। अब आगे देखिए पापा बाबा माँ, तो कप ऐसे देखिए पा फ बा भा मा। अब यार आला भाषा व्यंजन है तो उनको याद देखिए, या मैं कहाँ शुरू होता है, या शुरू हो जाएगा आपका हायवरट में या वा रा ला, या वा राला हो गया। अब उसके बाद साखा साहा, तो साहा साहा में स स सा, सा कहाँ गया भाई, साखा साहा सा, इसी में सा देखिए सा सा सा, तीनों यही मिल गए, हा यहाँ मिल गया साखा साहा। क्षत्रंज्ञा ये संयुक्त वर्ण है इसलिए ये बनाए जाते हैं, का और छ मिलकर सा बनता है, का और सा मिलके त्रा में ता और रा से बनता है, और ज्ञा में गा और या से ज्ञा बनता है। थैंक यू।